लगातार एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई आपको चौंकाएंगे। और इसी बीच सुपौल से बड़ी खबर, पीडीएस पर ये बड़ी पड़ताल सुपौल जिले के कर्णपुर गांव में स्थित खरेल के वार्ड 10 में हुई है। पीडीएस दुकानदार गरीबों को दी जाने वाली अनाज को लेकर कार्डधारी के प्रत्येक यूनिट में 1 किलो अनाज कम देता है, तो ये भी पड़ताल में निकलकर सामने आया है कि गरीबों को जो अनाज है वो कम दिया जाता है, यानी कि भ्रष्टाचारी यहाँ पर भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों को लगभग 1 किलो अनाज कम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम जिलों में हमारी ये पड़ताल लगातार जारी है। गरीब की आवाज को, गरीब के हक को हमने उठाया है, और यही वजह है कि पड़ताल में सामने आया है। सुपौल जिले के कर्णपुर गांव में स्थित खरेल के वार्ड 10 में पीडीएस दुकानदार गरीबों को दी जाने वाली अनाज को लेकर कार्डधारी के प्रत्येक यूनिट में 1 किलो अनाज कम देता है। कितना यूनिट है आपका? 4 यूनिट। कितना माल दिया? 23 किलो चावल, 15 किलो। 15 कितना हो गया? 23-15 हो गया, 20-10-30-35-35-36-38 किलो। कितना यूनिट है आपका? 7 यूनिट। 7 यूनिट है, 7 यूनिट हिसाब से अभी प्रत्येक यूनिट को 10 किलो अनाज मिल रहा है, तो 70 किलो होना चाहिए, आपको 66 ही मिला है, क्यों? डीलर साहब काट लेते हैं सर। काट लेते हैं तो आप लोग कुछ नहीं बोलते? बोलबो करी छे तो क्या बोलेंगे, वही डीलर साहब को बोल दवा हम, मेरा पेट कहाँ जाता है यही सब। पैसा कितना लिया? 100 रुपया। ऐसा नहीं किया है कि अनाज जो है मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तीन चार के जी कितना काटा है? फ्री वाला 25 केजी मिलना चाहिए, काट रहा है। उसके बाद जो वैसे 5 यूनिट है वो भी 25 केजी में। कितना यूनिट है? कितना माल मिला है? माल मिला है।